www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhin astafa amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزيز طلباء الكرام, हमारा हर दिन हर रात हमें आखिरत की तरफ ले जा रहे हैं. दुनिया से हम दूर हो रहे हैं और आखिरत से हम करीब हो रहे हैं. एक दिन वो आएगा कि दुनिया छूट जाएगी और आखिरत सामने आ जाएगी. इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अद्दुनिया मुदबिरा वल आखिरत मुकबिला. दुनिया पेट फिराकर भागने वाली है और आखिरत पूरी तैयारी के साथ आने वाली है. और रिवायत में आता है कि दुनिया के भी कुछ औलाद हैं, ये कम हो सकता है. दुनिया की भी कुछ और कम कर दो, दुनिया की भी कुछ औलाद हैं और आखिरत की भी औलाद हैं. फिर हमें यह कहा गया कूनू अबना अल आखिरा वला तकूनू अबना अद दुनिया. आखिरत के बेटे बनो, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद न बनो. औलाद में सिफात जो मुंतकिल होते हैं वो मां बाप के मुंतकिल होते हैं. अगर कोई इंसान दुनिया ही को मकसद बनाएगा, सुबह से लेकर शाम तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर जनाजा उठने तक, तो दुनिया अपना रंग दिखलाएगी. और दुनिया का पहला रंग यह है कि वो गाफिल बना देगी आखिरत से. दुनिया में जेबो जीनत है ही नहीं. इसको मुजयन किया गया है, जुयेन लिन नास हुब्बु शहवात. दुनिया में कोई जीनत नहीं है. दुनिया की मिसाल तो बुढ़ी औरत की तरह है. बुढ़ी औरत, उसमें कोई जीनत होती है? लेकिन वो लोगों को धोखा देके मेकअप करके, बनाव संगार करके लोग फंस जाते हैं और है बुढ़ी. आखिरत में दुनिया इस शक्ल में लाई जाएगी, बहुत बूढ़ी, काली कलोटी, मैली कुचेली एक तरफ पड़ी होगी. लोग पूछेंगे, भाई ये कौन है कि यही दुनिया है? हाय हाय हाय, इसके लिए नमाजें छोड़ी, इसके लिए झूठ बोले, इसके लिए सूद लिया, इसके लिए आपस में लड़ाइयां की, इसके लिए आपस में हुकूक मारे, इसके बुढ़ी काली कलोटी मैली कुचेली के लिए. यह है दुनिया. अब आदमी पछतावे तो क्या फायदा. हमारा ये माहौल जो है ये आखिरत बनाने का माहौल है. लेकिन हमारा ये तबका भी, पढ़ने पढ़ाने वाला भी दुनिया से मुतासिर है, दुनिया वालों से मुतासिर है. कोई फॉरेन से आ जाए, फॉरेन से, तो बोलते बोलते थूक गिर जाता है इसका.
आवे जावे हमें क्या है निस्बत इससे। लेकिन हमारी नजर भी आखिरत से हटी है, यहां रहते हुए भी, हदीस कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए भी, पिछली कौमों के बर्बादी के वाकियात पढ़ते हुए भी, अभी तक हमारे दिलों में आखिरत नहीं उतरी। जिसके दिल में आखिरत उतरे उसको नमाज के लिए उठाया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी कि मोबाइल न देखें जी। क्या हो रहा है कि आखिरत नहीं उतरी? और असल तो आखिरत है। وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, ठहरने की जगह, रहने की जगह क्या है? अरे बोलो नहीं यार, आखिरत है। दुनिया दारुल ममर है, आखिरत दारुल मुस्तकर है। दुनिया गुजरगा है, आखिरत कियामगा है। कियामगा को भूल गए हम। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के सामने आखिरत थी। मालदार हो, गरीब हो, देहाती हो, शहरी हो, हर एक के सामने आखिरत थी। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु के पास एक शख्स पढ़ने आया, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु ने सूरह जिलजाल सिखाई। इसके अखीर में है, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, जो जर्रे खैर या जर्रे शर लेकर आएगा वो आखिरत में देखेगा। उसके बाद उस शख्स ने पढ़ना आना बंद कर दिया। एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई, कभी पढ़ने नहीं आते हो? कि मैंने जो पिछली दो आयतें पढ़ी है वो काफी है। यकफीनी जर्रतान, यकफीनी जर्रतान, मुझे दो जर्रे काफी हैं। जब भी बोलता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, चलता हूं, कमाता हूं, खर्च करता हूं, खुशी गमी में बस यही है कि अगर शर करेगा तो भी देखना पड़ेगा और खैर लेके जाएगा तो भी देखना पड़ेगा। मेरी हिदायत के लिए इतना काफी है। यकफीनी जर्रतान, यादों से आए सित्ता पूरी हो जाती है, किताबुल फितन पूरा हो जाता है जी। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक तफसीर पूरी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हम अपने ऊपर तत्बीक नहीं करते हैं। ये कौम आद का वाकया है, कौम समूद का है, कौम लूत का है, कौम नूह का है, कौम शुएब का है, कौम सबा का है। तो तेरे लिए क्या है इसमें? कुलू वशरबू, क्या है, क्या है, क्या है, कुलू वशरबू, हमारे लिए यही है। ये जो वाकियात है ना, वो वाकियात क्यों है? सबर करने यार। जैसे क्लास में 10-12 बच्चे हैं, हर क्लास में एक दो ऐसे होते हैं, समझे ना, ऐसे होते हैं। हाँ, उस्ताद ने देखा कि सब पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहा, तो उस्ताद दरगुजर चश्मपोशी करता है। चश्मपोशी यानी आंख बंद कर लेता है कि अभी पढ़ेगा, नजर हटा लेता है। लेकिन वो फिसड्डी है, फिसड्डी। उस्ताद ने बुलाया, वो तो होती ही है 3 फुट की, और कस के 2-3 लगा दी, तो लगाई इसको और वहां आवाज शुरू हो गई,
पढ़ने की, हिलने की, अल्लाह पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इबरत पकड़ी इससे, ये समझदारी की बात है। लेकिन जिसकी पिटाई हुई, अब ये जिसकी पिटाई नहीं हुई उसको अंगूठे बता रहे हैं, मिलान तुझे, मिलान तुझे, तो फिर वो बच सकेंगे कि नालायक हो, तुमको तो इबरत पकड़नी चाहिए थी और तुम अंगूठा दिखा रहे हो। कौम आद, कौम समूद, कौम सबा, कौम शुएब, कौम नू, ओ उम्मते मुहम्मदिया अला साहिब सलातु वसलाम, तुमको तो इबरत पकड़नी चाहिए थी, लेकिन तुम दीन को डीए दिखा रहे हो, अंगूठा दिखा रहे हो, शरीयत को अंगूठा दिखा रहे हो, ये इबरत के लिए है। दलील इन दलील लिम्मी, ये सी ठीक है, ये इबरत के लिए है। फातबिरू या उलील अबसार, फातबिरू या उलील अलबाब, कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अमला कुलूबिन अख्वालुहा, दिलों पर ताले तो नहीं पड़ गए, दिलों पर ताले तो नहीं पड़ गए। कुरान कह रहा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना, अल्लाहुम्मा अफ्तह कुलूबना, अल्लाहुम्मा अफ्तह अक्फाल कुलूबना बिज़िक्रिक, ये अल्लाह तेरी याद से हमारे दिल के तालों को खोल दे। और कुरान पूरा जिक्र है, इन्ना नहनु, अरे बोलो रमजानी हाफिजो, इन्ना नहनु, कुरान पूरा जिक्र है, इसलिए बहुत चौकन्ना होकर यहां रहने की जरूरत है, वरना दुनिया के बेटे बन के निकलेंगे यहां से, आखिरत की औलाद हम नहीं बन सकते। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, तिलक दारुल आखिरा, यह आखिरत का घर, किसके लिए हम दारुल आखिरा बनाएंगे, नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, इस चार दीवारी में फसाद भी है और उलू भी है, हरेक चाहता है मैं आगे बढ़ूं उसको नीचे गिराऊं, यहां तक कि एक ही मदरसे में उस्ताद और यहां का पढ़ा हुआ बच्चा वो भी पढ़ाता है, वो भी चाहता है कि उस्ताद को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं। ला युरीदून उलुवा, बुलंदी नहीं चाहते हैं, और फसाद नहीं चाहते। फसाद किसको कह दें, कौमी रमखान, फसाद, फसाद झूठ बोलना फसाद है, गीबत करना फसाद है, झूठ बोलना, गीबत करना, गाली देना फसाद है, और मोबाइल तमाम फसादों की मां है। पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल देखेगा, क्या उसके दिल में इल्म का नूर उतरेगा? जो मछली मर जाती है ना समक के ताफी, समक के ताफी उसको कहते हैं जो 5 किलो की हो, किसको कहते हैं ताफी, अरे बोल ना यार, अब मरी है क्या नहीं मरी, क्या उसको देखो क्या उल्टी हो गई है, कौन सा तालिब इल्म यहां जिंदा है और अंदर के एतबार से मरा हुआ है, तो उसकी हरकत देखो, उसके अखलाक देखो, और मरी हुई मछली का कोई शिकार करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तालाब में नदी में रहती नहीं है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तालिब इल्म का इखराज की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर से मरा हुआ है, उसका हर काम उल्टा है,
न मेहनत है, न तकरार है, न मुताला है, न नमाजों का एहतमाम है, न असातेजा का एहतराम है, न दरसगाहों का अदब है, ये मरा हुआ है। जैसे दरिया में, नदी में एक मौज आती है और एक झटके में समक के ताफी को बाहर कर देती है, ऐसे अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि इसको मदद से छोड़ना पड़ता है, गया वो। हाँ, अगर जिंदा रहना है दिल के एतबार से, दिल की हयात, तो चलो दिल की हयात दो चीजों से होगी, एक तो तकवा, अल्लाह का डर, और एक इताअत। जितना तकवा इतनी इताअत, इताअत, और जितनी इताअत इतनी तवाज़ो। आदमी जितना छोटा बनकर चलेगा इतनी इताअत करेगा, और इताअत वो करेगा जो डरेगा। इसीलिए कहा गया मन खाफ अदलज। अरे बोल नहीं यार, कहां का है? मन खाफ अदलज, जो डरा वो रातों रात चला, वो रातों रात घूमने। मन खाब अदलज, जो डरा वो चला। जैसे कोई गाड़ी पकड़नी है, देर हो गई और रात के 3:30 बजे ट्रेन है, तो वो फौरन भागता है कहीं गाड़ी छूट न जाए, ट्रेन छूट न जाए। अब दवाई की जरूरत पड़ी रात को 12:30 बजे, और एक मेडिकल ऐसा है जो 1 बजे बंद हो जाता है, तो खर्रामा खर्रामा चलेगा, बुढ़े की तरह चलेगा। अरे भाई, अरे बाद में आता हूं यार, मेरा वो काम रह जाएगा। मन खाब अदलज, जो डरा वो चला। आज मैं हिदायत में हूं, 2 साल के बाद दौरे में आ जाऊंगा, और फिर ये इल्म का मेडिकल बंद हो जाएगा, तो वो खर्रामा खर्रामा चलेगा, सुस्ती के साथ दरसगाह में रहेगा। कर लो भाई मुताला, कल सुन लो सबक, तकरार कर लो, मेहनत कर लो, ये दवाखाना बंद हो जाएगा मेरे लिए। मन खाब अदलज। शेखुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाम का खाना मैं नहीं खाता था, मेरी बहन थी जो मुझे खिलाती थी और मैं मुताला करता था। बहन लुकमा बना बना कर रखती थी, मैं मुताला करता था। जब बहन चली गई तो शाम का खाना ही छोड़ दिया। ऐसे रिजाल थोड़े बनते हैं, रिजाल। आज दुनिया में मर्द बहुत है, रिजाल कम है। मर्द बहुत हैं, लेकिन रिजाल, सहाबा रिजाल थे। रिजालुन सदकु मिनल मुमिनीन, रिजालुन सदकु मा आहदुल्लाह अलैह। ये मर्द मैदान हैं जिन्होंने अपने अहद को सच कर दिखाया। जब आपने मदरसे में फार्म भरा था तो फार्म में क्या लिखा हुआ था? यह अहदनामा है, कितनों ने सच कर दिखाया। फमिनहुम मन कदा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर, बहुत से ऐसे हैं कि अहद पूरा करते करते अल्लाह के पास चले गए, और बहुत से ऐसे हैं तुम में अहद पूरा करते करते फारिग होकर चले गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बहुत से ऐसे हैं कि जो शहादत के इंतजार में हैं, तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो फरागत के इंतजार में हैं। वमा बदलू तब्दीला, वमा बदलू तब्दीला, अपने इरादे में और इफाए अहद में कोई तब्दीली नहीं आई, रिजाल है। और रिजाल, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुं वला बयुन ज़िक्रिल्लाह, लाखों में खेले, अबजों में खेले, करोड़ों में खेले, गफलत उनके दिल में नहीं आती। क्यों? नमाज पढ़ते हैं, यानी बदनी इबादत, वही ता इज़्ज़का,
माली इबादत ये काय का नतीजा है, या खाफून यौमन ततकल्लब फीह अल-क़ुलूब वल-अबसार, ये है आखरत। उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और दिल उलट पुलट हो जाएगी जी। ये आखरत पढ़ते हैं हम। साहबा की एक सिफत बयान की है, वो बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत पर इनका यकीन है, आखिरत में इनका यकीन। और आदमी को अंदर का यकीन दौड़ाता है। यकीन की मिसाल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब कुछ है लेकिन सीएनजी खत्म, पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म, तो गाड़ी बहुत फुल हो जाती है 120 की स्पीड में। ये होता है, वही एक्सीलेटर दबाता रहता है दबा, पर कहां है पावर नहीं है। तो आज आखिरत का यकीन नहीं है, इसलिए धक्का गाड़ी है, धक्का गाड़ी। नमाज के लिए भी धक्का मारो, मुतालिया के लिए भी धक्का मारो, धक्का गाड़ी नहीं है। अच्छा, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल धुआं बन के हवा में फैल जाता है, धुआं बन जाता है, लेकिन इसी से पूरी गाड़ी चलती है। और गाड़ी चलाने वाला मॉडल को नहीं देखता कि 2022 की है, हुड को नहीं देखता, हुड को, टायर को नहीं देखता, सीटों को नहीं देखता, ये तो देखता है कि मेरी गाड़ी में कमी कहां है। पेट्रोल कम है डलवाओ, ऑयल कम है डलवाओ, हवा कम है डलवाओ। आज हमने अपनी कमी देखना बंद कर दिया। अरे मेरे नहवों में कितनी कमी है, मेरे सर्फ में कितनी कमी है, मेरे इबारत पढ़ने में कितनी कमी है, बलागत फसाहत में मेरी कितनी कमी है, मैं दूर करूं नहीं है। तजवीद में कितनी कमी है, तहरीर और इमला में कितनी कमी है, कमी देखना बंद कर दिया। जो ड्राइवर, जो गाड़ी वाला कमी देखेगा वो मंजिल तक पहुंच जाएगा, फौरन कमी दूर करने की कोशिश करेगा। मेरी नमाज में कितनी कमी है, मैं तालीमुल इस्लाम से लेकर सियाही सित्ता तक आया और तमाम किताबों में नमाज की कैफियत बताई और हदीस में बताया, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, लोगो नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। मेरा तकबीर तहरीम में हाथ कहां तक उठते हैं, मैं बांधता हूं हाथ तो कहां तक बांधता हूं, ऐसा तो नहीं एक हाथ नीचे लटक रहा है। मैं रुकू में जाता हूं कि कैसे जाता हूं, क्या हाथों से घुटनों को मजबूत पकड़ लेता हूं, मेरा सर्व सुलीन बराबर है या ऊंट के ऊंट के ऊंट के क्या कहते हैं उसको, उसकी तरह है। मैं सजदे में जाता हूं तो मेरे सजदे की क्या नौयत है, कमी देखना ही छोड़ दिया, पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बाज़े लोग ऐसे हैं जो नमाज के जरिए से अल्लाह से करीब होते हैं और बाद लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह से दूर हो जाते हैं। ये सीखने की चीज है अजीजो, या बनो बनो बनो, बनी हुई चीज की कीमत है। जब बनोगे तो लोग तुम्हें तलाश करेंगे, नहीं बनोगे तो तुम्हें जगह तलाश करनी पड़ेगी, नहीं मिलेगी। अब क्या करें, क्या पान के गले पर जाओ। हाँ, इसीलिए बुखारी पड़ी थी। और आजकल पढ़ने के बाद भी दुनिया के बेटे बन के चल रहे हैं, भाई पढ़ाने क्यों नहीं बैठे, यार मौली साहबों की तनख्वाह क्या है, अब इतने में क्या होगा, तो तूने क्या पढ़ा,
वकायिम मिन दाबतिन ला तहमिलुहा ला तहमिलुहा, आगे अल्लाह यरज़ुकुहा, ओ रमजानी हाफिज, अल्लाह यरज़ुकुहा व इयाकुम, इन अल्लाह हुवर रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़, दाबा में कौन सा मद होगा, पूरी बात बोलना, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा वयालम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, सारी बातें पढ़ ली, फिर भी यकीन नहीं है, इल्म वाला कभी भूखा नहीं मरता, अल्लाह पर यकीन, मेरा अल्लाह इज्जत के साथ मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मैं तनख्वाह को नहीं देखूंगा, मैं तो दीन की खिदमत को देखूंगा, इसीलिए हमारे यहां तो ठीक है दारुल देवबंद में जो रोजाना बच्चों को जर्दा और बिरयानी खिला सकता है, लेकिन बरसों से मोटे मोटे नान और बड़े का गोश्त और दाल, और फिर तलबा लाइन लगाते हैं फकीरों की तरह, लाइन में खड़े रहो, ले लो लान और चले जाओ, बरसों तक कमरों में पंखे नहीं थे, ये मुजाहदा के साथ इल्म दिया जाता था ताकि मुजाहदा की जगह पर जाकर तलबा काम कर सके, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने मुअल्लिम बनाकर भेजा मदीना मुनव्वरा में, तनख्वाह क्या दोगे, ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट डिनर क्या होगा, लंच क्या होगा, काय का लंच, काय का डिनर और काय का ब्रेकफास्ट, एक कुएं पे जाके ठहरे थे, कुएं पर पूरे हाफिज भी नहीं थे, इसलिए कि पूरा कुरान उतरा भी नहीं था, आलिम भी नहीं थे, लेकिन दीन की मेहनत सीख चुके थे, ये तुम्हें जो जमातों में भेजा जाता है बुजुर्ग बनाने के लिए भेजा जाता है, बुजुर्ग है उम्मत को दीन कैसे देना ये सीखने के लिए भेजा जाता है, ये भी एक कोर्स है, करना चाहिए, करोगे, बीमार हो करोगे, हाँ वरना कोई बुलाएगा मौली साहब मेरे बेटे की शादी है थोड़ी बात कर लो, तो खुतबे के बाद पढ़ेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मारेगा दुल्हा और दुल्हन को, कुछ पता नहीं है, हमारे यहां एक मरतबा तमाम मेहमान आए हुए थे और वो खतीब ऊपर चढ़ा तो खुतबा क्या पढ़ा, सलातुल इस्तिस्का का, क्या कर रहा है यार, मेहमान भी ताज्जुब करते हैं कि इसको कहां चढ़ा दिया है, मौका महल वो अल्लाह देता है, रगड़े खाते खाते खाते, तो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, अब जिनके यहां ठहरे थे बड़े बड़े सरदारों को पता चला कि कोई आया है मदीना से और माहौल खराब कर रहा है, लाओ हम इसकी खबर लें, तो जिनके यहां ठहरे थे उन्होंने कहा मैं सरदार ने कुरैश को बुलाता हूं, मैं सब तुम बात करना, वो आए सब और हथियार लेकर आए, क्यों लाए हो इसको, क्यों ठिकाना दिया इसको, मुसअब बिन उमैर ने कहा भाई बात तो सुनो यार, अच्छी लगे तो ठीक है वरना, अब बात सुनाई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बात सुनाई, तो बात तो बहुत अच्छी है भाई, ये है हिकमत जो अल्लाह देता है, हम दूसरे सरदारों को लाते हैं, ये काम करने का सलीका और तरीका है, खाने का कोई इंतजाम नहीं, पहले जमाने में पढ़ते थे
हमारे असलाफ शाम को बाजार में जाते थे, सब्जी मार्केट में रद्दी सब्जी जो फेंकी हुई होती थी इसको धोकर नमक डालकर उबालकर खा लेते थे। और यहां तो दाल पतली है, रोटी जली हुई है, ये नखरे कहां से आए? इसीलिए कहते हैं कि इल्म हासिल होता है भूख में, हम सैराबी में तलाश करते हैं। यार आज तो 6 महीने हो गए सर, किसी की दावत नहीं होती। हाँ बच्चे एक मिला था मुझे, मैं जगह नाम नहीं लूंगा, अभी इसी सफर में। मैंने कहा क्या हुआ? कि अभी तक दावत नहीं हुई, साल पूरा हो गया, कुछ सुना है कि होने वाली है, इम्तिहान होने वाला है, उसकी फिक्र नहीं है, सुना है कि वो भी सुना है कि होने वाली है। क्या है क्या है? काजी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हजरत आपके असवार बहुत होते हैं, आप गाड़ी नहीं रखते हो? कि उम्मत की गाड़ी अपनी गाड़ी है ना, एक मंगवाता हूं चार आ जाती है। हम लोग कुवैत गए जमात में, आप भी जाओगे? तो हम 9 साथी थे और अरब लोग 11 गाड़ी लेकर आए थे, वो गाड़ी मर्चेंडिस। कोई कहता यहां बैठो, कोई यहां बैठो, और हमारा हाल ये था कि अरबी आती नहीं थी, वो अरब कहते कुदुम मुबारक कुदुम मुबारक, तो हम एक दूसरे का मुंह देख, क्या कह रहे हैं कुदुम मुबारक? या ले इसकी फिक्र न करो, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो। इसीलिए कहते हैं पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो और अल्लाह से मांगो। अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह से मांगो, पूरे कुरान का खुलासा यही है ना। हम तो हर हफ्ते 15 दिन जाते हैं तो मां को परेशान कर डालते हैं, बाप को परेशान कर डालते हैं, और इधर उधर की टोपियां चश्मे देकर कहते हैं ऐसी टोपी चाहिए, ऐसा चश्मा चाहिए, बेटा गुंजाइश नहीं है तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, चश्मे वाला पढ़ेगा, टोपा वाला पढ़ेगा। हमारी राह और है, बहुत नाजुक राह पर हैं हम, लेकिन गफलत है, हमारा असलाफ जो पढ़ते थे उनको दुनिया से कुछ लेना देना था ही नहीं। बाबा थानी वाले फरमा हम पढ़ते थे, घर से खत आते तो एक मटका था उसमें डाल देते, नहीं पढ़ना, जब साल पूरा होगा तो पढ़ेंगे। अब मटका खोला, फूला के घर बच्चा पैदा हुआ, फूला के घर शादी हुई, फूला को इंतकाल हो गया साल के बाद, और यहां तो जिंदा दादा को मार देता ये। हाँ मुकर्रम मोहतरम हजरत मोहतमिम साहब, मेरे दादे का इंतकाल हो गया है। जिंदा जिंदा दादे को मार दिया लिया, और बहुत से मुर्दा दादे को बाहर ले आया, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले नहीं है। इल्म को हमारा दिल लेने के लिए तैयार नहीं है अभी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर पैदा करो। मन खाफ अदलत, जो डरा वो, जो डरा वो रातों रात चला, जो फुर्सत से चला तो मेडिकल बन हो गया। मन खाफ वमन अदलत बलग अल मंजिल, जो रातों रात चला उसने मेडिकल को पा लिया, हाँ? बस को पा लिया, ट्रेन को पा लिया, मकसद पूरा हो गया। जो मदरसे में डरते डरते चला,
अरे भाई साल पूरा होने में देर नहीं लगेगी यार, अभी अव्वल मुह है लेकिन मिशकात में आने में कितनी देर, और ये माहौल छूट जाएगा। बनाओ अपनी नमाजों को, पैदा करो अल्लाह से अपना ताल्लुक। इसीलिए कहते हैं पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह का खुलासा बा, क्या क्या सही नहीं अदा हो रही बा, दोनों होठ चिपकने चाहिए, दोनों होठों के तरी वाले हिस्से हैं, क्या बाबा, बिस्मिल्लाह में पहला हर्फ बा, बा दोनों होठ चिपकने चाहिए तरी वाले हिस्से, हाँ वो तो मीम में दोनों होठ खुश्की वाले हैं, उसमें भी तलबा भूल करते हैं कि खुश्की वाला हिस्सा ये समझते हैं, इसलिए दोनों होठों का अंदर ले जाते हैं। अम ये मम है, है? ये मम है जो होठ अंदर ले जा रहा तू। पूरे कुरान का खुलासा बा, कैसे कि बा अदा हो नहीं सकती जब तक दोनों होठ न मिलाए, जिंदगी बन नहीं सकती जब के बंदे का ताल्लुक अल्लाह से न पैदा हो। अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो इस इल्म के जरिए से। करीमा का शेर है, बगैर इल्म के आदमी खुदा को पहचान नहीं सकता है। अल्लाह से ताल्लुक, बड़ा बनने का कोई जज्बा नहीं, न अपनी जमात में, न अपने साथियों में, न अपने कमरे में, पढ़ने पढ़ाने में बड़ाई का कोई ताल्लुक है ही नहीं। और फसाद न मचाओ, गुनाहों से बचो, अल्लाह कहते हैं हम उसके आखिरत बना देंगे, और जिसके आखिरत बनेगी उसी की दुनिया बनेगी, जिसके आखिरत बनेगी उसी की दुनिया बनेगी, बगैर आखिरत के दुनिया बन ही नहीं सकती, जैसे बगैर दरख्त के साया मिल ही नहीं सकता, मिलता है नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे अजीजो, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो पढ़ने में, किताब को चाट लो, बहुत उमर साहब फरमाते किताब को चाट लो, चाटना शुरू करना, एक एक किताब हल करो, एक एक इबारत हल करो, और जब तक हल न हो बैठ जाओ कोने में, या रब्बी इब्राहिम, या रब्बी सुलेमान, फाहिमनी, मुझे समझा दे, मुझे समझा दे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत गफलत के साथ हम जी रहे हैं, ठीक है सनद मिल जाती है, मौत आने वाले में फरमाते हैं कि तालिब इल्म दस्तार लेके जाता है, दस्तार पगड़ी, दौरे वालों का जो इंतजार है, दौरे में कितने इंतजार है, सर पर पगड़ी दस्तार। तो मौलाना थानवी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बात तालिब में इसे होते हैं जो दस्तार बांधकर जाते हैं मगर उनके पास इल्म के दस्तार भी नहीं होते। कुछ नहीं, मुफ्सिदात सलात पूछो तो मालूम नहीं, टपक टोया मारता है, कुछ पता नहीं, नवाकिद वजू पूछो तो मालूम नहीं, वाजिबात नमाज पूछो तो मालूम नहीं। अरे क्या सीखा यार, क्या सीखा, सबक हो रहा है पहली जिल्द का और बैठा है लेकर दूसरी जिल्द, फिर जब खोलता है ना मजमून नहीं मिलता तो कौन ही मारता है, अरे कहां है, कहां है, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कि मिश्कूत, अल्लाह मिश्कूत पढ़ते हो,
तो मौलाना आपको मालूम नहीं वाव लिखा हुआ है, ये हाल है मिश्कुट, बिस्कुट बेचो, क्या ये कुछ पता ही नहीं। इसीलिए उर्दू भी ठीक नहीं है। एक आदमी पढ़ रहा था किताब में, उन्नत पर बैठकर टोनक गया, अल्लाह उन्नत पर बैठकर टोनक गया क्या कह रहा है ये, फिर देखा तो लिखा हुआ है ऊंट पर बैठकर टोंक गया, और यह पढ़ता ऊंट पर बैठकर टोनक गया। ऐसे हैं, किताब की तालीम कराते हैं मौली साहब, नूरुल्लाह मरकदहू, अल्लाह नूरुल्लाह मरकदहू, मोइनो मददगार, मोइनो मददगार, काश के तू दरसगाह में न जाता तो तेरी वजह से उलमा बदनाम न होते। क्या सीख कर आया यार, बनो बनो, हर एतबार से बनो, नाहव भी पक्का, सर्व भी पक्का, मंतिक भी पक्की, तफसीर भी पक्की, तजवीद भी पक्की, बनो, बनने का मौका है, ये कारखाना है, कोई फन बेकार नहीं है। जैसे पांच उंगली कौन सी बेकार है, ये छोटी बेकार है, छोटी बेकार के कुछ काम नहीं आती, सबर कर, जब कान में खुजली आई थी तो यही काम आएगी, क्या अंगूठा कमाएगा। अरे भाई कान में खुजली आती है तो किसी को छोटे को छोटा मत समझो, नमाज को ध्यान के साथ पढ़ो, थोड़ा बहुत अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, कम से कम तस्बीह फातिमा का एहतमाम करो, मसनून जिक्र है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब से मैंने तस्बीह फातिमा को सुना मेरी जिंदगी में कभी नहीं छूटी, तो पूछा जंगे सिफीन में जो बड़ी लड़ाई हुई थी क्या उसमें भी नहीं छूटी। अमल की तासीर जाहिर होती है जब अमल को पाबंदी के साथ किया जाता है, खैरुल अमल मादीम अलई, खैरुल अमल मादीम अलई, बेहतरीन अमल वो है जिस पर पाबंदी की जाए। नवाफिल मत छोड़ो, नवाफिल एहतमाम के साथ पढ़ो, इसलिए कि रिवायतों में आता है कि आदमी नवाफिल के जरिए से अल्लाह से करीब होता है, वह इतना करीब होता है कि अल्लाह ताला उसकी आंखें बन जाते हैं, उसके पांव बन जाते हैं, उसकी जबान बन जाते हैं। क्या मतलब, अब वो देखेगा जो अल्लाह चाहेगा, वो बोलेगा जो अल्लाह चाहेगा। कोई आदमी अपने आजा पर कंट्रोल करना चाहे तो नवाफिल का एहतमाम शुरू कर दें। करोगे? हाँ, अल्लाह तौफीक दे, अवाबिन पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे, लंबी रातें आ रही है अजीजों, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद के बारे में आता है, गुनाहों को माफ कराती है और बदन की सेहत का जरिया है, तहज्जुद पढ़ो। जिस अल्लाह से लेना है तहज्जुद के वक्त, अल्लाह ही की तरफ से ऑफर है कोई मांगने वाला, है कोई माफी मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई अपनी हाजत हमारे दरबार में पेश करने वाला, और ये तहज्जुद में क्या उठता, फजर में भी गायब है। अल्लाह का ताल्लुक पैदा करो इबादात के जरिए से, और मखलूक से ताल्लुक पैदा करो अखलाक के जरिए से, अखलाक हमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे, न असातिजा को, न हमारे क्लास के साथियों को, न हमारे कमरों के साथियों को, न एक माशरा कायम करो, एक माशरा इस्लामी, कि लोग आवे तो इस्लामी माशरा समझ में आवे, कि छोटों के साथ शफकत है, बड़ों का एहतराम है, उलमाए किराम की अजमत है, ये एक माशरा कायम करने की जरूरत है, इसके लिए एक मेहनत है। ये जो हर साल आपके पास आते हैं ना, आपके पास आते हैं ना, आ रहे हैं हम लोग झोली लेकर, झोली लेकर दे दो दे दो दे दो, अब माशाल्लाह सखी लोग हैं, दे देते हैं, दौरे वाले साल देते हैं, तखसुस वाले भी साल दे रहे हैं, तखसुस है यहां, अरे बोल नहीं यार, कौन सा तखसुस है, तो दोनों होर तो चिपकते नहीं,
और माशाल्लाह हमारी ये तलबा, बस आपको इंतजार है कब कहें बोलो और हम बोलें। अभी तो आपके चेहरे बता रहे हैं, जैसे दुल्हा निकाह पढ़ने आता है और कादी साहब मौली साहब बात करते हैं तो दुल्हा को ये बात पसंद नहीं आती, कब पूछे कि कबूल किया और मैं कहूं कि हां आपने बात सुनी, लेकिन अभी आपका ध्यान ही है कि तश्कील कब शुरू करेंगे ताकि फट से हम खड़े होकर लिखा दें, लेकिन बाद दफा गड़बड़ हो जाती है। एक जगह मैं निकाह पढ़ाने गया तो खुतबा पढ़ा वगैरह, फिर मैंने दूल्हे से पूछा भाई फुला लड़की को वकील की इजाजत से इतने रुपए मेहर के अवज में मैंने आपके निकाह में दिया, आपने उसको अपने निकाह में कबूल किया, पता नहीं वो कौन सी धुन में था, हाँ मैंने उसको आपके निकाह में कबूल किया। मैंने कहा गया तू, दोहरे वाला चिल्ला लगाएगा है? दोहरे वाला चिल्ला लिखाएगा तो आपके निकाह में है भाई, होता ऐसा, इसलिए तैयार हो। नहीं यार इंशाल्लाह में करंट नहीं है, तैयार हो। पहले से इशारा तो नस तो नहीं हुआ कि अल्लाह खड़े हो जाना तश्किल हो तो, मुझे ऐसी थोड़ी महक आ रही है कि पंपिंग हुई है, हुई है मुजाकरा तो हो, और ये पंपिंग भी अच्छी है कि आ रहे हैं लोग तो अपने आप को पेश करो, और साल में क्या होगा मालूम है, काम करने की हिकमत अल्लाह देगा, इसलिए कि आप साल लगाओगे तो चार महीने तो अपने इलाके के साथियों के साथ, फिर बाकी चिल्ला आसाम में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, फिर आपके साथ कभी तो अंग्रेजी तलबा होंगे तो इनको लेकर जाओ मौली साहब, कभी ग्रेजुएट होंगे और कभी देहाती मेवाती होंगे, है ना, ये मुख्तलिफ तबकात होंगे तो हर तबके का मिजाज अलग है, तो इसको मिजाज को सामने रख कर फिर आप इन पर काम कर सकेंगे, ये सलीका खुदा देता है कैसे काम करने का, कैसे काम करने का। हाँ हर एक को एक लकड़ी से नहीं हाँका जाएगा, ये सलीका अल्लाह देता है। और दूसरी बात अजीजो, एक साल तक आप मस्जिद में आमाल के माहौल में रहोगे इंशाअल्लाह, जिंदगी भर इन आमाल पर जमना खुद आसान कर देगा, आमाल की आदत बन जाती है आमाल की। हाँ इसके बगैर चैन नहीं पड़ता, जैसे ये नादान लोग पुड़िया बुड़िया खाते हैं ना, वो तंबाकू की क्या क्या नाम है इसका, अच्छा मेराज हो गई तेरी, है ना, पता नहीं क्या ये मेराज वाला जो था ना, एक दिन हम गाड़ी में सफर कर रहे थे ट्रेन में, तो वो मेराज वाला बैठा था, बात में बात चली कि मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूं, आपके बच्चों से कह दो कि इसको मत खाओ, इसमें गाय का पेशाब मिलाया जाता है। क्या खा रहे हैं, फतवा पूछो फतवा, हर वो चीज जो अपने बदन को नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, क्या हो रहा है। लेकिन अब लत पड़ी है तो चैन नहीं पड़ती, ऐसे ही एक साल माहौल में रहने से आमाल की पाबंदी की आदत पड़ जाएगी इंशाल्लाह, तिलावत के बगैर आपको चैन नहीं पड़ेगी, जिक्र के बगैर, और अगर कभी किसी मशगूली से तिलावत छूट गई तो मूड बिगड़ जाएगा, जैसे मैं क्या मिराज नहीं खाई, भाई मूड आपका सही नहीं है, क्या बात है यार, यार नहीं मिली। हाँ आमाले दावत से भी उनसियत हो जाएगी, गश्त नहीं छूटेगा, सैर रोजा नहीं छूटेगा, सालाना खुरूज नहीं छूटेगा, मस्जिद व जमात नहीं छूटेगी, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, जिंदगी में बाहर आ जाएगी, हाँ जिंदगी गुजारने में मजा आ जाएगा, इसलिए साल मांगते हैं, और ये चिल्ला इसलिए मांगते हैं कि चिल्ले वालों में मेहनत करते 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 आमाल का थोड़ा शौक पैदा हो, इन आमाल का शौक लेकर आइंदा साल आए और ज्यादा माहौल मिले,
तो इंशाल्लाह इनके लिए साल लगाना आसान हो जाए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, कोई वकील बन के निकला, कोई 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 वो बना, वो जो भी बना वो निकला, तो बाद वाले क्या कहते हैं, अपने पूरा पढ़ना है, वो मेडिकल कोर्स पूरा किया, उसने ये पूरा किया, तो बाद वालों में भी तमन्ना होती है कि नहीं दौरे में आएंगे तो साल लगाएंगे। हमारे बहुत से भाई साल लगाए। अब साल वालों तैयार हो, दौरे वालों को पूछ रहा हूं, कोई काजी साहब दुल्हा से पूछे भाई तुमने कबूल किया क्या? इंशाल्लाह बीवी आएगी घर में, पहले कहो साल लगाएंगे, अब अपने बस में तो है नहीं, जब तक वो ना चाहे अब इंशाल्लाह। वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइल पहले है फिर इल्ला इंशाअल्लाह है, जाओगे साल में वो सुधरिया फिर बोलो अब खड़े हो जाओ, फौजी की तरह खड़े हो जाओ, मेरा अल्लाह मुझे ले जाएगा, मैं गरीब का बेटा हूं लेकिन मेरा अल्लाह गनी है, मुझे ले जाएगा, जल्दी करो। अरे जल्दी करो नहीं यार दौरे वालों, कितने हो देख लो, कहां है ये, कितने हैं, 2, 4, 6, 7, 8, बाकी कहां है, क्यों भाई बनना नहीं है आपको, प्यारे नबी का सच्चा वारिस नहीं बनना, उम्मत तो दिन दिन लेकर नहीं जाना, तो खड़े हो जाओ ना। लो क्या यार इतना बड़ा होकर, कितने हुए अपने आप को भी गिनो, कितने हुए हैं, 18 अभी तो 4, कितने बाकी, कहां के हो, महाराष्ट्र, चलो और 19, 4 बाकी, 23 है ना, 18, 19 कैसे हो गए, 17 कहे थे, अल्लाह आपके लिए आसान कर दें, कबूल फरमा दें, आपके इल्म में अमल में अखलाक में अल्लाह खूब तरक्की नसीब कर, नीयत पक्की रखना, नीयत पक्की रखना और अभी से अल्लाह से मांगना शुरू कर देना, करोगे भाई कहां भेजना है, देखो आपके इस्तकबाल के लिए दोनों खड़े हैं, जाओ वहां जाओ भाई, तखस्सुस वाले इसमें आ गए, तखस्सुस भी तजवीद एक ही है, पर वो है कहां, वो अल्लाह वो कारी कहां है, तो मेरी बात बैठ, नहीं पूछूंगा आ जाए उसको, बैठ तो सही, बैठ यहीं बैठ जा मेरे पास, कहां के हो, राजस्थान, हाँ बाड़मेर का है, हाँ तेरा चेहरा कह रहा है, क्या तखस्सुस में क्या किया, सभा पढ़ा नहीं, हब सका तखस्सुस गया, खुलासा जजरी पड़ी, फवाइद मखिया भी पड़ी, माशाल्लाह, अब क्या करोगे, साल लगाएंगे, अब तो बोलता नहीं, और पढ़ने का है, पढ़ने के बाद फिर साल लगाइयो, जोर से बोल, गागरिया से पढ़कर आए तो जतन से जाओ साल लगाओ। अच्छा भाई हमारे मिशकात से लेकर हिफ्ज क्लास तक जो हमारे तलबा 16 साल के ऊपर के हैं, 16 साल वाले भी नहीं, 16 साल के जो ऊपर के हैं, और एक बात कह दूं मैं आपको, बहुत से तलबा को एतराज होता है, वो सवाल होता है कि हमारी तरावी का क्या, तो सुन लो आप, किसी ने एक मेहराब सुनाया है, मेहराब जानते हैं ना, ये रहा, किसी ने दो मेहराब सुनाए हैं, जिसने दो मेहराब सुनाए हैं अब वो जमात में जाएगा, किसी का एक है दो नहीं जाएगा, दो मेहराब मजबूती के साथ अपनी यहां सुनाओ, और फिर जमातों में तरतीब ऐसी होती है कि एक जमात में 4 हाफिज, एक जमात में 6 हाफिज,
तो दो दो की जोड़ी बन गई। मौका मिलता है तो मस्जिद में पढ़ाते हैं, मौका नहीं मिलता तो नवाफिल में पढ़ते हैं। यहां एक मस्जिद में चार हाफिज हो, मिसाल, ये हर एक के हिस्से में कितना आएगा? बोलो, पाव पारा। और वो माशाल्लाह अपना ही पाव पारा देखेगा, पौना पारा नहीं देखेगा, तो उसका कुरान पूरा हुआ। और वहां क्या है, बहुत सी जमातों के कारगुजारी में तीन तीन कुरान खत्म करते हैं, यानी दो की जोड़ी में आज इसने तीन पारे सुनाए, वही दूसरा बच्चा वही तीन पारे सुनाएगा, दस में ये दस में ये, तो कितने कुरान खत्म हुए? तीन कुरान। और अल्लाह के रास्ते में कुरान पढ़ोगे, अल्लाह कुरान को ऐसा पुख्ता करेगा कि कभी आपके जहन से नहीं निकलेगा, और कुरान का नूर मिलेगा। इसलिए कि कुरान एक जगह नहीं उतरा, आपकी जमात भी एक जगह नहीं रहेगी, मुख्तलिफ जगहों पर जाके कुरान सुनाएगी, कुरान भी मुख्तलिफ जगहों पर उतरा है, तो अल्लाह ताला कुरान का कैफ और कुरान का नूर और कुरान की लज्जत खुदा देगा। घबराओ मत, अपने माँ बाप को भी यकीन दिलाओ, अम्मी मेरी कुरान की फिक्र न करो आप, अब्बा मैं कुरान सुनाऊंगा, एक नहीं तीन सुनाऊंगा। माँ बाप को फिक्र होती है कि रमजान में जाएगा कुरान नहीं सुनाएगा तो। इसलिए हमारे मिश्कात शरीफ के तलबा और हिफ्ज तक जो 16 साल के ऊपर के हैं वो खड़े हो जाओ और नियत कर लो कि इंशाल्लाह चिल्ला लगाना है। ठीक है, अब खड़े हो जाओ, शोर न करो, मस्जिद है। कहां के हो, कठोर के हो, कितनी उम्र है? माशाल्लाह, बीमार तो नहीं हो? चलो अल्लाह सेहत दे भाई, बोलो मत।